Effusion actually refers specially to the escape of gas particles through a tiny opening or porous barrier. Meaning, gaseous particles का escape out हो जाना through a tiny opening or porous barrier. यानी किसी भी स्मॉल पोर्स के थ्रू गैसेस पार्टिकल्स का एस्केप आउट हो जाना क्या कहलाता है? इफ्यूजन. व्हेन अ कंटेनर ऑफ गैस हैज अ स्मॉल होल, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है, सही. अगर यहाँ पे कोई भी स्मॉल पोर्स हो जाता, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्मॉल पोर ओपन हो गया, मतलब किसी भी वजह से हम उसको इसमें एक पोर्स बना देते हैं, तो यहाँ पे जो गैस पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये गैस पार्टिकल हैं, तो ये यहाँ से एस्केप आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं. इस तरह इन गैसेस पार्टिकल्स का इस कंटेनर से बाहर निकलना थ्रू आ टिनी पोर्स, इस स्मॉल पोर्स के थ्रू क्या कहलाता है? इफ्यूजन्स. एंड मूव इन टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर. और ये कहाँ पे मूव आउट करना स्टार्ट कर देते हैं? जहाँ पे लोअर प्रेशर हो. यानी यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि एक क्लोज कंटेनर था, सही. और यहाँ पे जो सराउंडिंग है वहाँ पे क्या है? हमारे पास लोअर प्रेशर. तो ये गैस पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर्स टू अ लोअर प्रेशर. तो ये है इफ्यूजन का फिनोमेना. एंड द रेट ऑफ इफ्यूजन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स. और ये पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, एंड द साइज ऑफ द ओपनिंग आर बेरियर. और ये उस बेरियर के साइज पे भी डिपेंड करती है. यानी ये जो हमारे पास वो है ओपनिंग पोर्स है, इसके साइज पे डिपेंड करती है कि ये स्मॉल है तो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस पार्टिकल इसकेप आउट होंगे, अगर ये बिग है तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल इसकेप आउट होंगे. इसके अलावा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट टेम्परेचर हमारे पास क्या है, और साइज ऑफ पार्टिकल भी डिपेंड करते हैं. यानी अगर हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स हैं और पोर्स भी हमारे पास स्मॉल हैं तो वो हमारे पास इसकेप आउट हो जाते हैं नॉर्मल फ्लो के साथ. लेकिन अगर हमारे पास बिग साइज पार्टिकल है और पोर्स स्मॉल है तो वो हमारे पास लेस टाइम में एस्केप आउट होंगे, क्योंकि पार्टिकल साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से वो स्मॉल पोर्स के थ्रू इतनी इजीली एस्केप नहीं होंगे. तो ये था हमारे पास इस इफ्यूजन का फिनोमेना. सेम हमारे पास अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो जैसे कि टायर पंचर हो जाता है, तो स्मॉल पोर्स के थ्रू, मतलब जब टायर पंचर होता है तो स्मॉल पोर्स के थ्रू ही टायर से हवा निकलती है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है? वो भी इफ्यूजन का फिनोमेना फॉलो करता है, सही. तो ये था हमारे पास इफ्यूजन.